तो हे गाइस व्हाट्स अप, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैं आपका दोस्त मोहित। तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस कैसे आप अपने स्मार्टफोन में कैसे माउस को चला सकते हो। मेरा कहने मतलब ये है गाइस कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में अब माउस को चला सकते हो। गाइस कभी कभी क्या होता है कि आपका स्मार्टफोन गिर गया, गिरने के बाद गाइस क्या होता है कभी कभी टच खराब हो जाता है, टच आप लोगों का काम नहीं करता। तो गाइस आप लोग कैसे अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो भी माउस से। तो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जो लोग अभी तक मेरे वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर आईडी अभी Mohit383 है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कैसे गाइस आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखते हो कैसे कर्सर यूज होता है। बहुत सारा वीडियो बनता है कि आप लोग देखते हो माउस वाला जो पॉइंटिंग रहता है उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। आप लोग देखते हो कि जब वीडियो में आप लोग जो भी करता है स्क्रीन पे काम उस पर करके दिखाता होगा कर्सर। तो ऐसे इस ये वीडियो से आप ये भी सीख सकते हो कि कर्सर का यूज कैसे कर सकते हो और आप अपने यूट्यूब वीडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो वो भी ईजी में। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलते गाइस यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों को जिस जिस चीज़ का जरूरत पड़ेगा मैं बता देना चाहता हूँ कि गाइस आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों को एक माउस का जरूरत पड़ेगा जो आप लोग मार्केट से खरीदना, वायरलेस भी खरीद सकते हो या वाइड वाला भी आप लोग खरीद सकते हैं। उसके साथ गाइस आप लोगों को एक OTG खरीदने होगा जो आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा, वो भी 20-30 रुपये में आप लोग को OTG मिल जाएगा। तो गाइस ये दो चीज़ आपको रहना चाहिए तभी आप अपने स्मार्टफोन में माउस का यूज कर सकते हो, कर्सर का यूज कर सकते हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस मोहित भाई चैनल को, प्रेस करें बेल आइकॉन को और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस आप ये देख सकते हो मेरा माउस का कनेक्टर है, OTG टाइप का है, ये देख सकते हो कनेक्टर है। आप इस माउस के साथ ही आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो मेरा ये वायरलेस माउस है, ये आप लोग परचेज कर सकते हो ऑनलाइन भी या आप दुकान से भी खरीद सकते हो। ये देख सकते हो गाइस यहाँ जो आप लोग को नज़र आए इसमें आपको बैटरी लगता है, आप यहाँ पे एक बैटरी लगा लेना। और ये गाइस मेरा ऑप्टिकल माउस है यानी कि वायरलेस माउस है। और ये एक कनेक्टर है आप लोग को मिल जाएगा, ये आप लोग को 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगा ये कनेक्टर, जो व्हाइट वाला आपको कनेक्टर है 20-30 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा ये। और वो सिंपल क्वेश्चन ये जो है कनेक्टर आप लोगों को इसमें कनेक्ट करना, जो व्हाइट वाला तार देख रहे हो गाइस उसमें आप लोगों को कनेक्ट करना, ये देख सकते हो इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन मोबाइल में कनेक्ट करना है। और जो ब्लैक वाला OTG जो था आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन कनेक्ट करना है, ये देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर रखा है पहले से ही, तब लोग सिंपल ऐसे ही कनेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हो माउस का है, ये आप लोग देख लो ये माउस का OTG में कनेक्ट आप लोगों को करना होगा। सिंपल OTG में मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, ये वायरलेस है इसलिए इसको कनेक्ट करना पड़ा। इसमें आप लोग सिंपल इसको कुछ नहीं करना, ये जो वायर को है इसको USB को आप लोग सिंपल मोबाइल में कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग सिंपल कुछ नहीं आप लोगों को मोबाइल में आना होगा। तो गाइस मैं यहाँ से आपको आ चुका हूँ मोबाइल में। मोबाइल में आने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं आप लोग सेटिंग को करना होगा ओपन। सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस ऊपर में आप लोगों को सर्च कर लेना होगा क्या, तो गाइस OTG आप लोगों को सर्च कर लेना होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस आप लोगों को सिंपल OTG आप लोग गाइस मोबाइल जो होना चाहिए OTG कनेक्टर होना चाहिए गाइस, तो गाइस तभी हो सकता है OTG कनेक्ट। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे OTG कनेक्टिंग आप लोगों को नीचे में नज़र आ रहा है, तो सिंपल आप लोगों को इसको ऑन करना है। ये जब तक नहीं ऑन करेगा गाइस जब तक आप लोग का मोबाइल में नहीं चल पाएगा और जो आप चाहते हो और माउस को चलाना अपने स्मार्टफोन में नहीं चल पाएगा। ये करने के बाद गाइस आप लोग ये देख सकते हो मेरा कर्सर आ चुका है मोबाइल में, ये देख सकते हो गाइस आप लोग मोबाइल में देख सकते हो कर्सर मेरा आ चुका है व्हाइट कलर में, आप लोग देख सकते हैं ये देख सकते हो। मैंने मोबाइल थोड़ा सा मोबाइल घुमा लेता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो गाइस मैं बहुत चीज कर सकता हूँ, ये देख सकते हो ऐसे बहुत चीज़ कर सकते हो गाइस। ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड वगैरह भी आप लोग कर सकते हो अपने प्रेस करके जो माउस का बटन है इसको करके कर सकते हो। ये देख सकते हो गाइस मैं यूट्यूब से गाना वाना सब आप लोग बजा सकते हो, ये देख सकते हो इससे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, जो बीच वाला बटन है स्क्रॉल वाला इससे आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, स्क्रॉल करके कर सकते हो। अगर फर्स्ट वाला जो बटन है लेफ्ट वाला इससे गाइस आपको जो चीज़ में आप लोग करोगे उसका इंटर होगा, और जो सेकंड बटन है गाइस उससे आप लोगों को बैक आओगे। ये देख सकते हो गाइस मैं कॉल भी लगा सकता हूँ, किसी के पास कॉल भी आप लोग लगा सकते हो, वो भी सिंपल वे में इजी वे में गाइस लगा सकते हो, कॉल वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस आप इसी तरह से अपने स्मार्टफोन में माउस का यूज कर सकते हो वो भी इजी वे में। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो जो लोग अभी तक मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।